बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आज की कहानी कबीर जी के इस दोहे पर आधारित है। एक गुरुजी बहुत सारे शिष्यों के साथ रहते थे। सभी बच्चों में से उनका फेवरेट स्टूडेंट था बावा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था और गुरुजी के साथ उसका बहुत प्यार था। जिस समय उसकी एजुकेशन ख़त्म हुई तो वो गुरुजी से विदा लेने के लिए आया, तो गुरुजी ने उसको कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग देता हूँ कि तुम इतना कमाओगे कि तुम्हारे लिए भी वो काफ़ी होगा, किसी भूखे को खाना खिलाने का अवसर मिले तो वो ज़रूर करना और गरीबों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर के ऊपर एक 1010 करके लिखा और बोला कि तुम कम से कम 10 रुपये रोज़ कमाया करोगे, गुरुजी की कृपा के अनुसार वो हर रोज़ 10 रुपये से ज़्यादा ही कमा लेता था और अच्छा उसका रहन सहन होने लगा और वो गरीबों की मदद करना कभी नहीं भूलता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने गुरुजी की बात का मान रखूं। एक दिन एक साधु वहाँ पे आए और उसने उस साधु को भी भोजन कराया, उनकी सेवा करी। जब उसने बताया कि मेरे गुरुजी ने मेरे को एक कागज़ दिया था जिस पे 10 लिख कर दिया था, कम से कम 10 रुपये मैं रोज़ कमा रहा हूँ, अपना भी काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को सुन के खुश होके वो साधु महात्मा ने उसके 10 रुपये के साथ 10 और लगा दी और 10 से उसको 100 रुपये बना दिया। अब वो 100 रुपये रोज़ कमाने लग पड़ा, वो लोगों की सेवा करता रहा, दीन दुखियों को भोजन कराता रहा। एक दिन बावा को एक और कोई संत पुरुष मिले तो उन्होंने उसको बहुत आशीर्वाद देकर कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो बावा ने कहा कि ये तो सब मेरे गुरु की कृपा है, उन्होंने मुझे एक पेपर पे 10 लिख कर दिया था, उसके बाद एक और महापुरुष ने उस 10 को 100 कर दिया, उनकी कृपा से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो उन महापुरुष ने उस पेपर के ऊपर 10 और लगा दिया और वो 1000 बन गया। इसके बाद वो हर रोज़ 1000 रुपये की कमाई करने लग गया। उस पैसे के साथ उसने बहुत सारे लोगों की मदद और भी करनी शुरू करी। कुछ साल और बीत गए और ऐसे ही एक और महात्मा पुरुष उसको मिले और उन्होंने भी उसको पूछा कि बाबा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसने फिर वही जवाब दिया कि ये सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, और उसने पूरी बात सुनाई तो उन्होंने भी 10 लगाकर उसको 10,000 कर दिया। तो बाबा बहुत खुशहाल होने लग गया, बहुत अच्छी कमाई थी। एक समय ऐसे आया कि उसकी कमाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका ध्यान कुछ और चीज़ों में लगने लग गया, ऐशो आराम की तरफ उसकी रुचि होने लग गई और उस काम की तरफ से लापरवाह हो गया। ऐसे ही चलते चलते अब उसके ध्यान में आया कि अपने गुरुजी से मिलके उनको मैं अपने इस सारे कार्य के बारे में बताऊं, और गुरुजी के सामने उपस्थित होकर उनको बात बताने लगा, गुरुजी देखो मैं आज 10,000 रुपये से अधिक रोज़ कमा रहा हूं, मेरे पास अब बहुत बड़ा बंगला है शहर में, 2 कारें हैं और मैं कितने लोगों की मैं मदद कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। अब गुरुजी ने जब उसके चेहरे को देखा तो गुरुजी ने महसूस किया कि गरूर आ गया है। वो पहली सी मासूमियत नहीं थी लेकिन उसके चेहरे पर अभिमान और गरूर दिख रहा था। गुरुजी ने उसको कहा, मैंने तुम्हें एक पर्ची दी थी जिसके ऊपर मैंने 10 लिख कर दिया था। कहता, हाँ वो आज भी मेरे पास मौजूद है। तो गुरुजी ने कहा, जरा दिखाना मुझे। उसने अपनी जेब से वो पर्ची निकाल के दिखाई और वो सारा बताया कि किस तरीके से और महात्माओं ने उसके साथ 0 लगाते लगाते आज वो 10,000 हो गई। गुरुजी ने पेन पकड़ा और गुरुजी ने उसका जो 1 लिखा हुआ था
उसको काट दिया और वो एक कटने से वो पर्ची जो पहले 10,000 दिखा रही थी अब वो 0000 दिखाने लग पड़ी और एकदम से वो जो आसमान पे उड़ रहा था वो धरती पर नीचे आ गया। जैसे ही गुरुजी ने उस एक नंबर को काटा तो बाबा को एकदम से ये रियलाइज हुआ कि गुरु की कृपा ख़त्म हो गई। जो ज़ीरो नंबर होता है अगर वो अकेला हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उसके साथ वन लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू 10 फिर 100 1000 10,000 ऐसे बढ़ती ही जाती है। तो चाहे हम उस वन को गुरु की कृपा समझें या भगवान की कृपा समझें, लेकिन उस वन के बिना हम भी सब ज़ीरो हैं। वो वन जो है वो भगवान या गुरु वो हीरो है, तो हम हीरो के साथ अगर खड़े हों तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हम सोचें कि मैं खुदा मैं ही अकेला सब कुछ हूँ तो हमारी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो के समान होती है। या इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान सबको उनकी किस्मत के मुताबिक देता है, लेकिन हर व्यक्ति को लोगों की सेवा के अंदर भी साथ साथ कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब हमको बहुत कुछ भगवान दे देता है खुद अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस कहानी के सार को समझें और कुछ भी जो कमाई करते हैं उस कमाई का एक हिस्सा जन सेवा के अंदर लगाएं। सनरेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।